आप देख रहे हैं इंडिया टॉप न्यूज, सच की खबरें सबसे पहले। सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकास के योजनाओं के बारे में वार्ता करते हुए बलिया जिलाधिकारी ने बताया कि सरकार द्वारा जिले के विकास के लिए जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही है, उन योजनाओं का क्रियान्वयन समय से पूरा करने एवं कुछ योजनाओं को पूरा होने पर संतुष्टि जताई। उन्होंने जिले के विकास कार्यों को किसी तरह से बाधित न होने की बात कही। जिलाधिकारी ने बाढ़ संबंधी प्रश्नों, जो जिले के लिए गंभीर समस्या है, वो भी बरसात के मौसम में पूछे जाने का जवाब देते हुए कहा कि हम इसके प्रति संवेदनशील है। हमने स्वयं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जाकर निरीक्षण किया, जहां कटानरोधी कार्य लगभग समापन पर है, साथ ही राहत बचाव सामग्री का कार्य पूरा कर लिया गया है। उन्होंने ने सरकार की जिले में चल रही अन्य योजनाओं पर संतुष्टि व्यक्त की। जिलाधिकारी ने जिले की व्यवस्थाओं, जिसमें सफाई, सड़क, आवास आदि कार्यों को पूरा करने पर बल दिया। उन्होंने जिले में शांति व्यवस्था और विकास कार्य करने की अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाया। संवाददाता सुरेंद्र कुमार गुप्ता, बलिया। निविदा जिसने कोर्ट की है, उसके पक्ष में एग्रीमेंट गठित हो चुका है। तो आज हम लोग इस स्थिति में हैं कि जैसे बाढ़ स्टार्ट होती है तो 48 घंटे के भीतर हम राहत सामग्री बंटवा सकते हैं। इसके अलावा हम लोग बाढ़ शुरू हो जब हो जाती है तो वहाँ मौके पर ऐसे कई जगह कटान शुरू हो जाते हैं, तो उस कटान को रोकने के लिए वहाँ सामग्री गिराई जाती है। तो उस सामग्री तरह तरह की है, उसमें बोल्डर से लेकर के उसमें बैम्बू क्रैट और उसमें GI बैग,